नमस्कार, मैं हूं तारिक। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अपने चरम पर है। विधायक शैलेंद्र जैन, जो सागर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी वाइफ मिसेस शैलेंद्र अनु जैन मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, स्वागत है सागर टीवी पर। धन्यवाद। चुनाव में जा रही हैं आप, क्या रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है आपको? मुझे तो रिस्पॉन्स हमेशा ही ऐसा मिला है, मैं कहीं भी निकलती हूँ मुझे बहुत स्नेह मिलता है। और स्नेह इसलिए है क्योंकि विधायक जी किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, तो मेरे को तो परिवार जैसा स्नेह 2018 में भी मिला था, और उससे ज़्यादा स्नेह अभी मिल रहा है। क्योंकि सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सागर में, बल्कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में बहुत काम किया है, और विधायक जी सेना में हैं मोदी जी के, तो हमें बहुत स्नेह मिलता है। ये इतनी सारी महिलाओं को आप इकट्ठी करती हैं, बड़ा कनेक्शन बनाती हैं, कौन सा जादू है? देखिए, महिलाओं में जादू होता है। महिलाएं जब बेटी बनती हैं तो आप देखिए पिता के चेहरे खिल जाते हैं, जब बीवी बनती हैं, जीवन साथी बनती हैं, तो पति के चेहरे खिल जाते हैं। अगर आप इसको अन्यथा लेके ये ना बोलें कि मायूस हो जाते हैं। और जब बहुएं बनती हैं तो देखिए एक घर में खुशियां, एक घर को बढ़ाना आगे, तो महिलाओं में जादू है। मुझ में जादू थोड़ी है, अब भाभी को देखिए, अब इनके जादू से हम चल रहे हैं और हमारी भाभी विजय होगी और इस वार्ड जादू और भी विजय होगा। भारतीय जनता पार्टी में जादू है, तो हम कहते हैं मोदी जी अपने आप जुड़ी चली आती हैं। मोदी जी जादूगर हैं, शिवराज जी जादूगर हैं, तो हम भी थोड़ी थोड़ी जादू की छड़ी घुमाते रहते हैं। आप इस वक्त बरियाघाट वार्ड में हैं, वेदई पुरोहित जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, किस तरीके का माहौल देखती हैं? मुझे वेदई भाभी जी के लिए बहुत स्नेह और विश्वास दिखता है, और हर चीज़ बोली नहीं जाती, शब्दों में बयान नहीं की जाती, लेकिन मैं इस वार्ड से आश्वस्त होकर जा रही हूँ और अपने पतिदेव को बताने वाली हूँ कि ये वार्ड आपका पार्षद भी जिताएगा और आपका महापौर भी जिताएगा। बात करने के लिए शुक्रिया। मिसेस शैलेंद्र अनु जैन का कहना है कि ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर जो सभी जो जादू की छड़ी जलाते हैं, वो भी वही काम वो करती हैं, महिलाओं को अपने साथ लेती हैं और उसके बाद एक लंबे काफले के साथ चलती हैं। इस वक्त वो बरियाघाट वार्ड में हैं, ज़बरदस्त तरीके से उनको महिलाओं का साथ मिल रहा है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।